हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे आज मज़ा आ रहा है भाई, फैंटास्टिक मज़ा आ रहा। और बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्वीट सा लग रहा है गाइस, कि मतलब पूछे मत, बारिश हो रही है धमाके, मज़ा आ रहा है धमाके भाई साहब। देख सकते हैं आप लोग, दिखा देता हूँ एक बार, बारिश देख सकते हैं, काफ़ी फास्ट बारिश चल रही है गाइस, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी बारिश हो रही है फिलहाल, और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है गाइस, और हम आपको दिखा रहे हैं। देख लो कितना अच्छा लग रहा है यार, बारिश में मैं गाड़ी लेकर के आया था घूमने के लिए, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई, मज़ा आ रहा। कोई भी गाड़ी में नहीं, अकेला आया, देख सकते हैं पूरी गाड़ी खाली एकदम भाई, कोई भी नहीं गाड़ी में सिवाय मेरे, और बस ये गाने जो चल रहे थे गाइस, ये बस गाने चल रहे थे और कुछ नहीं था गाइस इसमें। काफ़ी इंजॉय फुल मस्त, मतलब किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है गाइस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार मेरे को। तो मैं कुछ मकसद था मेरा बताने का गाइस, कि देखो अगर आप लाइफ में ना अपनी फुल एंजॉय करना चाहते हैं भाई, तो मेरा बस एक ही मानना है कि जो है कुछ मत करो यार, दबा के काम करो साले को, और एंजॉय करो, गाड़ी लो, बड़े बड़े सपने मत देखो ज़्यादा यार, जो भी करना कर डालो बस। मेरा मकसद यही है, जो भी करना का मूड है कर डालो बस, देखा जाएगा जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि पता है ऊपर वाला भी ये सोच के बैठा हुआ है गाइस, कि ये बंदा कर क्या रहा, ये बंदा क्या कर रहा है, कि जो कर रहा है उसका मिलेगा भाई, बस सीधी बात आई हूँ। क्योंकि अब आप बताओ मुझे, कि हमने मान लिया कि हम किसी पड़ोसी को या ऊपर वाले को या भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, सबको कुछ हम प्रसाद चढ़ाएंगे, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? हाँ मिलेगा, पर देर से मिलेगा ना। तो अब जल जो भी काम करना अपनी लाइफ में ना यार, पड़ोसियों की मदद करो, लोगों की मदद करो, अच्छे अच्छे लोगों से व्यवहार बनाओ, कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी से कोई ऐसे शब्द की बात ही मत करो जो तुम्हारे खिलाफ हो, या तुमसे लड़ाई करने की सोचे, या तुम्हारा दुश्मन बने, ठीक है। हमारी लाइफ में जहाँ तक है मुझे ये फील होता है, और मुझे पता है जहाँ तक, कि मेरी लाइफ में मेरा कोई दुश्मन नहीं आज तक, क्योंकि जब मैं छोटा था तो बहुत लड़ाई करने में एक्सपर्ट था गाइस, अगर कोई जरा सा भी बोलता ना पीट देता था, ऐसा नहीं पीट ही देता था दबा के। लेकिन जैसे बड़ा हुआ, जानने वाला हो गया, ठीक है, सन 2012 में तो मैंने करी लड़ाई, जैसे सन 2013 और 14 की मैंने शुरुआत करी, तो सन 2013 में मैं यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब मैं हरिद्वार में आया सन 2013 में गाइस। क्योंकि चलो अब बात कर रहा हूँ तो थोड़ा बता ही देता हूँ अपने बारे में, कि मैं कैसे रहा कैसे नहीं रहा गाइस, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। जब मैं सन 2013 में यहाँ पे आया गाइस, तो मेरे को ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है, क्योंकि मेरे को 3 दिन हो गए थे। बरेली स्टेशन सुना होगा, बरेली जंक्शन है एक बहुत बड़ा अपने आप में एक, तो उस जंक्शन पे मैं पड़ा रहा 3 दिन तक, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था मुझे काम करने जाना कहाँ है। एक दो लोगों से मैंने पूछा स्टेशन पे कि ये बताओ मेरे को कंपनी कहाँ मिलेगी, या जहाँ पे काम मिल जाए मेरे को, वो चीज़ ऐसी बताओ। क्योंकि मेरा गाइस क्या था, मैंने सन 2010 में जो है घर छोड़ा था अपना, यानी कि आज से 12 साल पहले, ठीक है, अभी 22 चल रहा फ्रंट। तो गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ था एक हादसा, कि मैं मतलब कि गिलास धोता था चाय के, ठीक है, होटलों पे, और मेरी 1 महीने की सैलरी जो थी उस समय सन 2010 में गाइस, वो 300 रुपये थी। आप लोग सोच सकते कि 300 रुपये मात्र, लेकिन हाँ मेरे लिए तो बहुत थी, क्योंकि मेरे पास खाना भी होटल का ही था, जिसके होटल पे काम करता तो वो खाना भी देता था, सोने को तो मेरे को कुछ नहीं देता था, बस सोने को क्या, होटल के बाहर पता है टेबल पड़े रहते चाय पीने के लिए, वो टेबल हुए पड़े हुए थे, तो टेबल एक में सटा करके मैं सो जाता था आराम से। और रही बात बिछाने की, तो बिस्तर तो कुछ था नहीं हमारे पास उस समय, तो ये जो आलू के कट्टे वगैरह होते हैं, मैं इनको बिस्तर बना के सोया। और उसी दौर में गैस मैंने एक फ़ोन लिया था, बिल्कुल छोटा सा फ़ोन था, ली फोन के नाम से था, वो ली फोन था जो कि मैंने लिया था मात्र 350 रुपये में, मतलब 1 महीने का काम करके 50 रुपये एडवांस लेके अपने जो होटल मालिक था उससे 350 रुपये का फ़ोन लिया था मैंने, ली फोन। और लेते ही मेरे को 10 मिनट बस उसने मेरे को दिया, मैंने उसको पैसा दिया, फिर इतने में मालिक आ गया, उसने बोला कि भाई काम कर ले यार छोटू, तो मैं काम के लिए चला गया, फ़ोन वहीं रख गया। और उसने भी बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, सोचा कोई नहीं अभी आ रहा होगा, अब पता नहीं फ़ोन कौन ले गया, मतलब लिए हुए 10 मिनट हुए तुरंत ही मेरा फ़ोन गायब, ऐसा हुआ मेरे साथ वहाँ पे गाइस। यार मैं बड़ा परेशान कि मेरी 1 महीने की कमाई वो चली गई, पानी में मिल गई, कोई बात नहीं चलता रहा भाई, क्योंकि रहना खाना की टेंशन था ही नहीं। हाँ बस ये था दिक्कत, वहाँ पे आती थी जब जैसे बारिश होती थी
तो होटल गैस ऐसे था, मतलब ढाबा टाइप का था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को दिक्कत आती थी कि वो ढाबा टपकने सा लगता था ना, तो यार रात में जैसे बारिश हुई तो मेरे को सोने की बहुत दिक्कत आती थी कि मैं सोऊँ किधर, किस टाइप सोऊँ, जबकि जो होटल का मालिक था उसका बगल में ही घर था। पर वो बंदा भी ऐसा था कि उसने आज तक मेरे को घंटा कुछ नहीं दिया उखाड़ के। उसने ये भी नहीं बोला, ले विशेष तू ये कंबल ले जा, ये ओढ़ ले, इसको बिस्तर बना ले, सो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं करता गया, एडजस्ट करता गया। उस होटल पे मैंने 4 महीने गिलास धोए गए, अब लगा लो 4 महीने में दिन भर में कम से कम 500 गिलास धोने होते थे। ऐसा वैसा होटल भी नहीं था, बहुत चलता था, मतलब वहाँ का मशहूर होटल एक ये मान के चलो, उस बंदे की अगर दूध की सेल करी जाए तो एक दिन का जो दूध होता था कम से कम 3-4 क्विंटल दूध बेचना होता था, दे पन्नी में डाल, दे पन्नी में डाल, ठीक है गैस। अब दूध 60 रुपये लीटर, उस समय बस बिकता था 20 रुपये लीटर, मैं बेचता था 20 रुपये लीटर गैस, ठीक है। बहुत मतलब बुरी हालत थी यार वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं बिस्तर कट्टा बना के सोता था, आलू के कट्टे उट्टे आते थे जैसे कुल्हड़ वगैरह आते थे दूध वाले, उन कट्टे में आते थे, उनका बस बिस्तर बना के सो जाता था मैं। उसके बाद गैस मेरे को एक लड़का मिला फरखाबाद का, ठीक है, जिसका वो कुछ मतलब जान पहचान, जैसे बंदा कोई घूमने आया तो मेरी उसके साथ जान पहचान, ऐसे कुछ जान पहचान हो गई थी। तो मैं उसके वहाँ पे गया 3 साल, उसके यहाँ पे मैं गया गैस, 3 साल रुकने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मैं रुका कितना, 3 महीने रुक पाया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई पैसे का सोर्स नहीं था गैस, कुछ भी पैसा नहीं अर्न होता था, क्योंकि मैं छोटा था, मेरे को कोई रखने वाला भी नहीं था वहाँ पे तमीज से। मैं उसके घर बंदे के घर पता क्या करता था, गोबर उठाता था, कि उस बंदे ने 4 गाय पाल रखी थी, और गंगा जी के घाट पे जैसे कि अमावस्या हुई या कुछ हुई तो मेरे को उसने सिखाया था कि गंगा जी के घाट पे बैठता था मैं, ठीक है, चल वहाँ से अच्छा खासा पैसा तो हो जाता था, लेकिन अब दूसरे के पास रहते तो पैसा सारा उसका ही होता था कैसे, हमारा कुछ नहीं मिलता था उसमें, ठीक है। तो मैं उस बंदे से भी भाई परेशान हो लिया, ये गाइस चोट देख रहे हो ना, ये मेरे को वहीं लगी थी फरखाबाद में, क्योंकि एक ऐसे मेहमान आ गए थे, तो उनके यहाँ हमारे उनके यहाँ भाई साहब के मेहमान आए थे जिनके यहाँ मैं रह रहा था, तो उनका रिक्शा उठाया और मैं गंगा जी से नीचे पुल की धार में आ रहा था, ठीक है। तो आगे से गाड़ी आ गई, कार जैसे अभी मैंने फ्रंट ले रखी है, तो गाइस मैंने सोचा कि निकल जाएगी आराम से, मैंने क्या किया हैंडल हल्का सा कट कर दिया और एकदम रिक्शा खड़ा हो गया, एक टाइप से 2 पहिए पे चलने लग गया रिक्शा, और 2 पहिए पे चलते थे सीधे गंगा जी में गिर जाके, रिक्शे के तो 3 पहिए ऐसे टेढ़े हो गए थे और मैं भी टेढ़ा हो गया था भाई, ये सब मेरा फट गया था, कान भी फट गया था, ये भी फट गया था, ये सब फट गया था, ठीक है। वहाँ भी दवाई वाई कुछ नहीं हुई मेरी, फिलहाल 40 रुपये की दवाई ली थी मैंने गैस उस समय, ठीक, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास उस समय। फिर मेरे पास कुल उस समय 200 रुपये थे मेरे पास, 206 रुपये, लेकिन उस 200 रुपये में मैंने 40 रुपये की दवाई ली, बचा मेरे पास 264 रुपये गैस। फिर मैं उसे लेकर के वापस आया, वापस मैं बरेली जंक्शन आया, ठीक है। बरेली जंक्शन पर मेरे पास जब 40 रुपये बचे खर्च करके गए, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये, फिर मेरे को एक बंदा मिल गया, भला उस बंदे का, उसने बोला बेटा हरिद्वार चला जा, वहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे काम मिल जाएगा। पर मेरा उस समय कोई जान पहचान नहीं था, जान पहचान के कक्षा 8 भी मैंने पास नहीं किया था उस समय, कक्षा 8 पास नहीं हुआ था मेरा भाई, तो जान पहचान कहाँ से ही, ना उस समय आधार कार्ड बनते थे, ना पैन कार्ड होता था, ना मेरी उम्र थी जो पहचान पत्र भी बनाता, क्योंकि कुल मेरी उम्र 13 साल थी उस समय, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं था, मैं घर छोड़ चुका था। उस बंदे ने मेरे को एक फॉर्म दिया लिख करके, बोला कि ये ले अपना फॉर्म बेटा, पढ़ने पे मतलब लिख के दिया, साइन इन मार के दिया, कि अगर कोई पूछता है कहाँ से आया तो सब उसने एड्रेस लिख दिया था, ठीक है। पर वो भी मेरा खो गया स्टेशन पे जा करके, ठीक है, वो भी खो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला आया भाई। मैं स्टेशन पे जब 3 दिन पड़ा रहा, मेरे पास 40 रुपये थे, 3 दिन में मैंने वो 1 रुपये भी खर्च नहीं किए और ना ही कुछ खाया, भूखा पड़ा रहा। फिर एक बंदे से स्टेशन पे चाय बेचने वाले लोग होते ही हैं, उनसे मैंने पूछा भैया कि हरिद्वार ट्रेन कौन सा जाएगा, और 3 दिन में कम से कम 6 ट्रेन निकले होंगे हरिद्वार के, पर नहीं पता चला, ट्रेन आती थी सो जाता था क्योंकि बच्चापन था यार अंदर। ट्रेन चल चुकी थी हरिद्वार की, उस बंदे ने कहा बेटा ये ट्रेन जा रही है हरिद्वार, अगर जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो। पर मेरे को उस समय टिकट उकट के बारे में नहीं पता था, इतना नॉलेज नहीं था उस समय कि टिकट लेना है, क्या लेना है, कैसे नहीं लेना। तो मैंने क्या किया, ट्रेन भी फुल थी, मैं विंडो पकड़ा और लटक गया, इतने में आवाज़ देखने, ओ बेटा इधर से चल इधर से। तो फिर मैंने देखा गेट भी है उसमें घुसने का, यार पहले मैंने सोचा विंडो से घुस जाऊँगा, अब विंडो में सरिया लग रही थी, तब इतना दिमाग नहीं था मेरे पास। तो भाई गेट से घुसा मैं,
पर घुस ही नहीं पाया क्योंकि भीड़ इतनी थी। अब मैं छोटा था, अब मेरे हाथ में एक थैला था सब्जी लाने वाला, जो ठीक कपड़े का थैला होता है, और एक टी शर्ट थी उसमें और एक पैंट थी पुरानी सी। उसको लेकर के मैं हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, और हरिद्वार आने तक मेरे को लटक के आना पड़ा। उसका जो ट्रेन का डंडा होता ना साइड में, चढ़ते जब पकड़ के उसको पकड़ के, क्योंकि मेरे को डर लगता था अंदर घुसने में कि अगर मैं अंदर घुस जाऊँगा तो लोग मेरे को धक्का मार के दबा देंगे अंदर ही, मेरा आटा बना देंगे, क्योंकि इतना डर ही था। क्योंकि यार इतनी छोटी उम्र में हर किसी को डर लगता है। एक तो मैं गाँव से था, अभी छोटे मोटे गाँव से, बिल्कुल छोटे से, जहाँ पे नॉलेज की कहते हैं कि नॉलेज होता ही नहीं किसी को, उस गाँव से था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लटके लटके पहुँचा। जहाँ भी ट्रेन रुक जाती थी उतर जाता, फिर इंतज़ार करता रहता, जैसे ट्रेन चलती थी फिर लटक लेता था। ऐसा करके मैं हरिद्वार पहुँचा। फिर हरिद्वार में पहुँच के मैंने कुछ लोगों से पूछा, ये बताओ मेरे को यहाँ पे जो है कंपनियाँ किधर हैं। तो एक दो लोगों रिक्शा वाले मिले, बोला कि बेटा इधर है कंपनी, वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। चलो फिर मैं वहाँ से निकला कंपनी के लिए। अब मुद्दा यहाँ पे अटक गया कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किस कंपनी में, कैसे जाऊँगा, कंपनी वाले तो रखेंगे नहीं, क्योंकि मेरी उम्र 13 साल है, अभी 15 साल है नहीं। मैं बहुत मुश्किल में लोगों ने बताया। जब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं भाई, तो बहुत परेशान में हो गया। और यहाँ पे आया मेरे को भाई 3 दिन हो गए, मतलब 3 दिन वहाँ भूखा रहा। और यहाँ 3 दिन जो मेरे पास 40 रुपये थे, उस समय जो यहाँ पे गए क्रीम रोल इस समय 5 रुपये का मिलता है, उस समय मेरे को क्रीम रोल मिलता था 3 रुपये का। ठीक है, तो मैं 3 दिन तक मैंने क्रीम रोल खाए। ठीक है, मेरे पास 3 दिन में मैंने 7 क्रीम रोल खा लिए, रुपए हो गए 21 खर्च, बचे रुपए मेरे पास 19 टोटल। अब मैं परेशान, अब मैं ये भी सोच रहा कि मैं जा भी नहीं सकता यार वापस कहीं, क्या करूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि ट्रेन में तो बिना टिकट लटक के आ गया था। अब यहाँ तो ट्रेन चलती नहीं कि बिना टिकट लटक के मैं कहीं भी चला जाऊँगा, मैं परेशान हो लिया। फिर मैं एक पड़ोसी के घर जब मतलब जैसे कि आया था, तो एक मिल गया कोई जानने वाला, तो बोला बेटा कोई बात नहीं, एक दो दिन हमारे यहाँ एडजस्ट कर ले, रोक लेंगे। पर उनको भी शक रहता था कि मैं शकल से काला था बिल्कुल, अब तो चलो ठीक हूँ फिलहाल, उस समय मैं काफ़ी काला था बहुत ज़्यादा। तो सबको डाउट होता है कि मैं चोर हूँ करके, है नहीं, सबको होता है भाई कि बच्चा यार अकेला है, सबको होता है। अभी आपके घर में कोई अगर आ जाए बच्चा छोटा सा, तो आप भी बोलोगे पता नहीं यार किस स्वभाव का है, बट नहीं, मैं ऐसा लगता था पर था नहीं। तो हमने उनको जैसे तैसे करके मना के रख, 2-3 दिन उनके घर पर रहता रहा। फिर मेरे को एक आइडिया, क्यों ना यार यहाँ भी कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि होटल में तो कर ही चुका था 3 महीने में लगातार। फिर मैंने यहाँ भी एक होटल ढूंढा जो गढ़वाल ढाबा के नाम से था, ठीक डेंसो चौक के, हमारे हरिद्वार में डेंसो चौक है, हरी चौक के नाम से अब जाना जाता, पहले डेंसो चौक के नाम से जाना था, उसके पहले गढ़वाल ढाबा होता था, गढ़वाली था वो। उनके पास गया मैं काम के लिए, तो उन्होंने हाँ तो कर दी, पर मेरे को बोला कि तेरे साथ में कौन है, तो मैंने कहा अंकल रहते हैं, मतलब झूठ बोला उनको, बल्कि मेरे साथ कोई नहीं था, ना कोई जान पहचान का कोई था ही नहीं मेरे साथ। मैंने कहा एक अंकल रहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा उनको बुला के ला अंकल को। मैं भाई चला आया, उन्होंने कहा कल से आ जाना काम पे। मैं उनके पास फिर दूसरे दिन पहुँचा काम पे, फिर उनने मेरे को कम से कम 1 महीना परेशान कर दिया भाई कि बेटा अंकल को बुला के ला, पर उन्होंने भगाया नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं काम करने में एक्सपर्ट था, फास्ट था, सर्विस फास्ट करता था, अब पैसे में भी जोड़ने में घटाने में ज़्यादा एक्सपर्ट था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उस समय। ठीक है, तो वो 1 महीना तक मेरे से कहते रहे अंकल को बुला के ला, अरे अंकल ड्यूटी चले गए, अरे अंकल ये कर गए, अंकल वो कर गए, मैं फलाना ढिमकाना बताता रहा उनको, पर फाइनली मैं नहीं बुला के ले जा पाया, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो बुला के किसी ले जाता मैं गाइस। कोई बात नहीं, काम करता रहा, 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया। फिर अब मान लो ढाबे पे काम कर रहा हूँ, कुछ जानने वाले भी मिल जाते हैं, एक दो लड़के मेरे को मिले जानने वाले, उनकी वजह से मैं फिर ठेली पे आया काम करने के लिए। एक ठेली थी चाउमीन वाली, उस पे आया काम करने के लिए। उस ठेली पे भी मैंने गैस प्लेट धोई चाउमीन की, वो भी 2 दिन मात्र। वो क्यों? क्योंकि इतना यार किसी को नॉलेज नहीं होता, तो मजबूरी होती है, करना पड़ता है भाई। कोई बात नहीं, 2 दिन धुला। फिर मुझे उस ठेली पे 2 लड़की मिल गई यार आके, पता नहीं कहाँ से, एक सोनू नाम का था, एक कैलाश नाम का, दोनों लड़के बिजनौर के थे भाई। और वो करते थे नपीनो कंपनी है शिडगुल में, उसकी कैंटीन में वो बंदे काम करते थे भाई। मेरे को बुलाया अच्छा खासा, ठीक है, मैंने कहा चल भाई ठीक है कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है भाई। मैं गया आराम से, उन्हें मेरी उम्र जबकि छोटी थी, पर उन्होंने मेरे को लगवाया। ठीक है गाइस,
मेरी छोटी उम्र में भी मेरे को लगवा लिया अपने साथ काम पे उनने। मैं उन लड़कों के साथ करता रहा काम, काम तो बहुत कराते थे मेरे, क्योंकि मैं छोटा था यार। पर मजबूरी मेरे सामने ये भी थी कि मैं करूँगा नहीं तो मेरे को बाहर निकाल देंगे लड़के। लेकिन उस बंदे ने मेरे को 3500 रुपये दिलाई सैलरी कंपनी में, मतलब नाबालिग में। मैंने काम किया समथिंग 6-7 मैंने काम किया था, बाकी अच्छा खासा काम किया, कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। फिर वहाँ से काम करता रहा करता रहा करता रहा, फिर जान पहचान होती रही, जैसे को तैसा जान पहचान होती रही भाई। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी मैंने चूज़ कर ली। दूसरी कंपनी जब मैंने देखी तो उसमें मेरे को सैलरी दी गई पता कितनी, 4000। वहाँ 3500 थी, वहाँ 4500 रुपये बढ़ा के दी गई। उस कंपनी का नाम था डेंसो, तो मैंने कहा डेंसो में काम किया चार पाँच महीने तक। फिर वहाँ से मैंने गाइस छोड़ा, कंपनी आती है शिव माटो टैच, वहाँ पे सैलरी मेरे को दी गई 6000 रुपये डायरेक्ट। मेरी उम्र बढ़ती रही, स्वभाव बढ़ता रहा, स्टाइल्स चेंज होते रहे गाइस। कंपनी में जा रहा हूँ, कुछ तो लोग आएगा आएगा ही ज़रूर भाई। अब मान लो 14 साल में मैंने 14 से लेकर के 17 साल में 3 साल के अंदर मैंने 4 कंपनी, फिर उसके बाद शिव माटो टैच के बाद मैंने डायरेक्ट वहाँ पे गुप्ता जी का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उनका किचन भी भाद्राबाद में है गुप्ता जी का। वहाँ करने के बाद मैंने डायरेक्ट ITC ज्वाइन किया, जिस ITC की बात करते चिप्स कुरकुरे सिगरेट उगरट, उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया बिस्किट प्लांट में। वहाँ मैंने किया काफ़ी दिन, गया वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी दिन काम किया मैंने, ठीक है। वहाँ से काम करने के बाद मेरी उम्र हो गई समथिंग, मैं सन 2000 हो गया, 16 बीत गया, सन 2017 में फाइनली फिर मेरी हालात ऐसे हो गए रोड वाले, क्योंकि फिर क्या था, बच्चापन चला गया, किशोरावस्था में आने की उम्र थी, पैसा आया यार 5000 रुपये, जिसके पास आ रहा हो खर्चे कुछ ना हो उसके लिए बहुत है 5000 रुपये, करता गया, पैसा कभी नहीं जोड़ा, क्योंकि यार दोस्त थे, पार्टी करी, बर्थडे मनाए लोगों के, रसगुल्ले खाए, पेटीज खाए, जो जिधर जो मन में आया वो खाया, पैसा घंटा कुछ नहीं बचाया, 1 रुपये भी, तब आके खाया पिया मस्ती मौज किया, करता रहा करता रहा। सन 2017 आया, सन 2017 में गाइस जो है कुछ नहीं किया, बस काम ही करता रहा ऐसे जैसे को तैसा, ठीक है। लेकिन सन 2016 में मैं गया था एक बार शादी में, हाँ वो शादी थी यूपी में, ठीक है, वो शादी यूपी में थी लखीमपुर में, जो कि मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ पे जो मेरी वाइफ देख रहे हो उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई शादी में, ठीक है। तो अच्छी लव स्टोरी थी, स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी इंटरेस्टफुल थी। बस मेरे को उस समय एक ही जोश चढ़ा रहता था कि भाई बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाल स्टाइलिश होने चाहिए, बढ़िया फ़ोन होना चाहिए, बस जेब में 2 फ़ोन पड़े थे, बढ़िया मस्त चश्मा स्टाइल। लड़की अच्छी लगी मेरे को, गोरी गारी थी, ठीक है। मैंने सोचा यार मैं तो काला हूँ, लड़की गोरी गारी है, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है, देखता हूँ एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट किया भाई, शाम को एक झलक देखा लड़की को, सिर्फ दिखी नहीं, फिर गायब जादू की तरह भाई, क्योंकि मिली नहीं यार, पता नहीं किस मोड से निकल गई किधर गई भाई। पूरी रात ढूंढा मैंने उस लड़की को पर नहीं दिखाई दी। सुबह का टाइम हुआ, सुबह का जब वो लड़की का जब होता है क्या बोलता है उस कलेवा कलेवा कुछ कहते हैं, ठीक है करके, वो जब टाइम था तब मेरी फिर से उस लड़की पे नज़र पड़ी। फिर मैं कन्फ्यूज़ था यार, क्योंकि शाम को गोरी लग रही थी ज़्यादा है। फिर मैंने कहा यार ये लड़की है कि दूसरी कोई है, समझ नहीं आ रहा था, मैं कन्फ्यूज़ बहुत था। फिर मैंने थोड़ी देर ध्यान दिया, फिर वो लड़की ने भी देखा मेरी तरफ को, मैंने कहा शायद यही होगी यार। और भाई लक भी इतना अच्छा, जेब में पेन नहीं रखता था, जेब में पेन हमेशा मेरी रहता था, क्योंकि मेरी का लत ऐसी थी कि मेरा एक सपना था कि मैं पढ़ाई करूँगा, बस पढ़ाई तो कर नहीं पाया, क्योंकि सन 2013 में घर से निकला, बाहर भागा, पढ़ने के चांस सारे ख़त्म, कोई गोल नहीं लाइफ का, सिर्फ मस्ती। जब काम बच्चे की खेलने की उम्र होती, पढ़ने की उम्र, तब मैं ग्लास धो रहा था होटलों पर, पता है, कोई बात नहीं भाई, पढ़ा था नंबर, किस्मत इतनी अच्छी कि भाई सामने कागज पड़ा, और कागज भी स्ट्रॉन्ग मस्त कागज, पता नहीं कहाँ से आया, नंबर लिखा अपना, लड़की को इशारा मारा, दीवार में सेट कर दिया साला।
लड़की यही नंबर निकाल के ले गए, उसकी सहेली उससे छीनती रही नंबर, है क्या इसमें, है क्या, मेरे को तो बाद में बता रही थी ना, उसने बताया नहीं बंदे ने। मैंने सोचा ये बंदी जाके फ़ोन तो करेगी करेगी जब करा है शर्ट, वो बंदी जाके गई घर पे अपना, और जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा के गेट पे, मैंने सोचा यार अब तो फ़ोन आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने वाला था शाम का, बंदी का फ़ोन आ गया एकदम। मैंने कहा वाह आ तो भाई लग गया तेरा बेटे, बंदी का फ़ोन आया। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, बंदी से बात हुई मेरी, बात होती रही बात होती रही बात होती रही, लास्ट में जाके प्लान सेट कर दिया, मतलब शादी की बात कर दी, कर ली शादी, मस्त लाइफ पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है, आराम से दोनों बंदे घूमते हैं मज़े लेते हैं। मैडम सो रही थी इसलिए नहीं लाया हूँ, सीट खाली पड़ा है मैडम का, ठीक है, स्कूटी का चाबी पड़ा हुआ है मैडम की सीट पे भाई, और बारिश ज़बरदस्त हो रही है अभी, क्योंकि बारिश आज दिन भर हो रही है गाइस, ठीक है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बारिश में बैठने के मेरा का भाई बस यही था एक सपना कि भाई बढ़िया गाड़ी हो, बारिश हो रही हो मस्त, और मस्त बैठ के आराम से टाइम पास करें गाड़ी में, ठीक है, तो बस वो हो गया काम अपना। और बहुत जल्दी गाइस मैं एक मेडिकल का ओपनिंग करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करूँगा, जहाँ तक है बस लाइसेंस आने का टाइम है गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है, एक बात हुई थी मेरी, समथिंग 10-12 दिन और लगेगा लाइसेंस आने में, लाइसेंस आते ही मेडिकल की ओपनिंग करूँगा गाइस, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मेरे को, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं अपनी लाइफ में, देख रहे हो हमारी खुशी, देख के पता लगा सकते हो कि हमारे पास क्या कमी हो सकती है बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं यार, क्या कर रहे, इससे बढ़िया क्या ज़िंदगी चाहिए, कर रहे टाइम पास, लोगों को टेंशन होती है कि सर में बाल नहीं, हमारे तो देख रहे हो भाई बाल भी बहुत है, दाढ़ी नहीं आती दाढ़ी भी आ रही, क्या चाहिए बताओ, आप लोग बताओ, कुछ नहीं चाहिए यार, अरे हमारी लाइफ तो हम मानी से भी बढ़िया कट रही, मस्त मौज ले रहे, और क्या चाह रहा। तो गैस बाकी आगे की कहानी क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बता देता चलो, उसके बाद मैं काम करता रहा, सन 2000 में मैं 18 में सेटिंग से बात करता रहा, 19 में बात किया, 20 में बात किया, अब 20 के जून 14 जून को मेरी शादी फिक्स हुई गई, 14 जून सन 2020 में मेरी शादी फिक्स हुई भाई, और उस दिन भी बारिश इतनी तगड़ी हो रही दबा के भाई साहब की, पूछो ही मत ना, अब रात को पता है कितना जाना लंबा यहाँ से भाई साहब 499 किलोमीटर करेक्ट, पूरा नपा हुआ गाड़ी से मेरा, क्योंकि मैं कार लेके गया था जो 499 करेक्ट गाड़ी से पड़ रहा था मेरे को भाई। शादी में जब गया तो आधे घर से तो फिलहाल मौसम ठीक था, और शाम को ही निकले थे यहाँ से क्योंकि 8-9 बजे रात को, दूसरे दिन रात भर सुबह खूब बारिश हुआ दबा के, मतलब मैडम के घर में तो कचरा ऐसा मच गया कि उनने जितना अपना लिपाई पिटाई करी थी बिल्कुल सब ख़त्म कर दिया बारिश में, सब घर इधर से उधर हो गया पूरा तहस नहस, शादी में इतनी दबा के बारिश हुई अब यार, और गर्मी भी दबा के हुई फिर उस दिन बहुत गर्मी थी। फिर मैं गया यहाँ से, संडे का दिन था, लॉकडाउन दबा के चल रहा था, और संडे के दिन उस समय ऐसा हाल था कि यूपी भी बंद होती थी, पूरा यूपी ही बंद होता था संडे के दिन, यूपी में शादी मेरी बारात यूपी जानी थी, ठीक है, तो भाई अब वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं देखा गया, हम लड़के थे बारात में 8, एक मैं था और 7-8 लड़के और थे बारात में, ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल मिला के 14 लोग हो रहे थे हम लड़के सब बारात वाले, और मैडम की तरफ से तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई, क्योंकि लॉकडाउन बहुत तगड़ा चल रहा था उस समय, अब बिना पास के ही मैं गाड़ी लेके गया था, वो तो अच्छा हुआ ऊपर वाले का कि लक भी इतना अच्छा था कि गाड़ी को किसी ने रोका भी नहीं, बस आते वक्त 3-4 पुलिस वाले मिले, उनने गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी भी बढ़िया तरीके से सजा रखी थी शादी की, और अपना नाम भी डाल रखा था साजन चले ससुराल के नाम से बढ़िया सा, तो उनने भाई दावत मांग ली, फिर आते वक्त फिर उनको मैंने 200 रुपये दिए दावत के, कहा कोई बात नहीं यार शादी रोज़ रोज़ तो करते नहीं, तुम भी ऐस कर लो, है नहीं भाई,
क्योंकि खुशी के मौसम में ये नहीं देखना चाहिए कि पुलिस वाले हैं क्योंकि कौन है, जो है सबको खुश रखो यार, खुश रहो, अपनी लाइफ का फंड है कि खुशी बांटो और खुश रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। आराम से शादी कर ली यार, शादी में भी मेरे पास कुछ नहीं था, घंटा कुछ नहीं था, क्योंकि उससे पहले बस कंपनी में काम करता था, खाता था, पीता था, उड़ाता था मौज मस्ती में। शादी के बाद समथिंग मेरे पास, मैंने शुरुआत करी काम करने की, दुकान की मैंने शुरुआत कर दी थी शादी से पहले, थोड़ा 3-4 महीने पहले, मात्र 6,000 रुपये में दुकान की शुरुआत करी थी मैंने, मात्र 6,000 रुपये में, और दुकान का किराया भी था 4,000 रुपये, और 6,000 रुपये में दुकान लगा लो। कोई बात नहीं, कर दी शुरुआत मैंने धीरे धीरे, करते 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 करते। मैडम आई तो हमारी मैडम रात को, यहाँ हम लोग मैडम को लेकर पहुँचे थे 12 बजे रात में, 12 बज गया था, हमें यूपी से यहाँ तक आते थे रात को 12 बज गया था, 12 बजे हमने घर में प्रवेश किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेटने को बिस्तर भी नहीं था उस समय, गाइस वो चटाई थी मेरे पास 100 रुपये की चटाई थी, जिस चटाई पर मैं लेटता था, मैं समथिंग उस चटाई पर लेटा कम से कम 1 महीने तक, पूरा 1 महीने दबा के चटाई पर लेटा, क्योंकि कुछ बिस्तर की व्यवस्था ही नहीं थी यार। फिर कुछ मैडम के आते ही लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए, क्योंकि यार घर पे जब कोई काम होता है ना तो सरदर्दी बढ़ती है, तो लाइफ में चेंज होना शुरू हुए गाइस। 1 महीने बाद ही बस गाइस सारे सामान लाने चालू हो गए, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता कि पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि दुकान खोल रखी थी अपना, दुकान से पैसे कमा रहे अच्छे खासे। भी 1 महीने बाद बेड लाया, 24,000 रुपये की बेड लाया मैं, लेने क्या गया था मैं, सिर्फ 500 रुपये थे मेरी जेब में, मैं 500 रुपये लेकर के गया था, सोचा था 500 रुपये का, जाड़ा का सीजन था, जाड़ा नहीं था शायद, हाँ गर्मी जाड़ा शुरुआत जून मई चल रही थी 14 मई, अब ये नहीं समझ आ रहा शायद जाड़ा आने वाला था या जाड़ा नहीं था, या मैडम को शायद, मेरी समस्या ये था कि मैडम नू कह रही थी कि भाई इस पर लेट तो ये नहीं मजा आ रहा ज़मीन में को, क्योंकि भाई बंदी चारपाई की लेटने वाली बिस्तर पे, तो अब ज़मीन में हम लेट रहे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने कहा क्यों ना तुम्हारे लिए गद्दा ले आऊँ छोटा, 400-500 रुपये वाला गद्दा ही लेने गया था गाइस। बात करते 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 बात भी कर दी बड़ी लंबी तगड़ी, मैंने कहा उस बेड वाले की दुकान में बोला कि भाई जो तुम्हारी दुकान में सबसे VIP सबसे अच्छा बेड हो, चाहे जितना हाई फाई हो रेट का वो दिखा दो बस। भाई उसने दिखाया मेरे को 24,000 रुपये का बेड है, मैंने कहा गद्दे, तो बोला इसके गद्दे अलग से आएंगे 6,000 रुपये, मैंने कहा मैंने 6,000 देता ना देता 24,000, मैं डायरेक्ट 24,000 रुपये दूंगा, गद्दे भी दे दो बेड भी दे दो। उस बंदे ने भाई मेरे घर पे भिजवा दिया 24,000 रुपये, मैंने बंदे को पैसे कितने दिए 500 रुपये मात्र, मैंने उसको वादा कर दिया, मैंने कहा 24,000 रुपये तुम्हारे 15 दिन में पहुँचा दूंगा भाई, पहुँचा दिए बस, इधर से उधर से ले लेके उधार पहुँचा दिए बंदे के पैसे। ठीक उसके थोड़े दिन बाद, महीना ही गुजरा होगा, बढ़िया सी एक नई स्कूटी ली, एक्टिवा 6G रेड येलो कलर, देखा होगा वीडियो में, कई वीडियो में मैंने दिखा रखा है, एक्टिवा 6G ली मैंने, वो 1,04,000 की पड़ी मेरे को, वो उसका भी मैंने फाइनेंस करा दिया भाई, 25,000 रुपये जमा करके उधार उधार लेकर के सब उसका भी जमा करवा दिया गया। काफ़ी चीज़ें मैंने खरीद दी, फिर मैडम के आते ही सारी चीज़ें चालू कर दी, मेरा पढ़ाई भी सन 2019 में मैंने फार्मेसी का एडमिशन ले लिया था डी फार्मा में, ठीक है, वो तो गाइस अलग टॉपिक में बता दूंगा आपको एक बार, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी की बातें जो गाइस फिर करेंगे हम अपने लाइफ के बारे की और हम बताएंगे आपको, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, या नेक्स्ट पार्ट में देख लेना, नेक्स्ट पार्ट ही बना दूंगा मैं आप लोगों को, उसमें अपनी लाइफ एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अरे कुछ नहीं जीने का तरीका तो हम दिखाएंगे, जीना नहीं आता, चलना नहीं आता, चलना भी हम सिखाएंगे, ठीक है गाइस, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।